हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सौरव क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरव आप सबका आज के क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है भारत में तुर्की विजय, या कह सकते हैं राजपूतों की पराजय के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। भारत में तुर्कों की विजय मध्यकाल का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत में राजपूतों की पतन एवं तुर्की शासन की स्थापना से भारतीय दशाओं में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुए। हम यहाँ तुर्कों के विजय के कारकों को बेहतर ढंग से समझने हेतु एक डायग्राम का प्रयोग करते हैं एवं संक्षिप्त व्याख्या द्वारा निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो डायग्राम में आप राजपूतों की पराजय के कारक अथवा तुर्की विजय के कारक दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। इसके राजनीतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सामाजिक कारण हैं, धार्मिक कारक हैं और सैन्य कारक हैं। राजनीतिक कारकों में देखें तो इसकी विकेंद्रीकरण की नीति, पारस्परिक संघर्ष के कारण, वंशानुगत शासन की वजह से और विदेश नीति के परित्याग की वजह से, ये सारे कारक हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्थिक कारकों में व्यापार का ह्रास, सैन्य खर्च में वृद्धि, सामाजिक कारक में जातीय संकीर्णता, कुप्रथाओं की व्यापकता, पृथकवादी नीति, धार्मिक कारक में नियतिवादी व भाग्यवादी होना, धार्मिक मतभेद और सैन्य कारकों में सामरिक हास, परंपरागत नीति एवं अस्त्र शस्त्र। चलिए एक एक करके हम समझेंगे। राजनीतिक कारक, तो राजनीतिक कारक किस प्रकार से प्रभावित किए। भारत में हर्षवर्धन के बाद से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रबल हो गई थी। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था तथा इसके शासक विस्तार एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए परस्पर संघर्ष करने लगे। इन युद्धों के कारण इनमें आपसी एकता एवं आपसी द्वेष एवं ईर्ष्या की भावना प्रबल हुई तथा इनकी एकता समाप्त हो गई। इसके साथ साथ प्रशासन के उच्च पदों पर उच्च वर्णों के लोगों को स्थान मिला तथा उस पर उनका वंशानुगत अधिकार कायम हुआ। इसके कारण अयोग्य व्यक्ति भी प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त होने लगे। इससे देश की राजनीतिक स्थिति अस्त व्यस्त हुई। इसके अलावे इन राजपूत राज्यों ने विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित ना करके अपने प्रभाव कमजोर किया तथा जन कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा करके भी राजनीतिक व्यवस्था को शिथिल कर दिया। अब इसके दूसरे कारक आर्थिक कारक को देखते हैं। राजपूतों की पराजय का आर्थिक कारक भी जिम्मेदार था। राजपूतों ने व्यापार एवं व्यवसाय के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इनका वैदेशिक व्यापार शिथिल पड़ा, जबकि तुर्कों ने भारत से तीव्र व्यापारिक गतिविधियां स्थापित कर यहां की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत की। इसके अलावा राजपूतों के निरंतर चलने वाले युद्धों ने उनकी सामरिक क्षमता के लिए अधिक अपव्यय किया, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है राजपूतों की पराजय और तुर्कों की विजय का। सामाजिक कारक, सामाजिक व्यवस्था में जातीय संकीर्णता की भावना का प्रवेश हो गया था। समाज उच्च तथा निम्न वर्गों में विभाजित हो गया था। इनमें छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक शोषण आदि भावनाओं का संचार हुआ। इससे समाज दुर्बल हुआ। इस कारण शोषित वर्ग में देश या राज्य की सुरक्षा अथवा विदेशी आक्रमण से प्रतिरोध की भावना का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त शराबखोरी, जुआ, बहुविवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों से
समाज रूढ़ हो गया। इसके कारण समाज के उच्च वर्ण एवं निम्न वर्ग में पृथकतावादी नीति आ गई थी, जिसने समाज को खोखला कर दिया। अब इसका अगला जो महत्वपूर्ण कारक है वह धार्मिक कारक। तो धार्मिक कारकों में देखेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण से भारत विभिन्न संप्रदाय एवं उपसंप्रदायों में विभक्त था। धार्मिक क्षेत्र में समन्वय तथा उदारवादी प्रवृत्ति के कारण विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास तथा मान्यताएं यहां पनप रही थी। दूसरे धर्म द्वारा पोषित कर्म तथा संसार के दर्शन ने अधिकांश भारतवासियों को दुख तथा दमन सहने का अभ्यस्त बना दिया। नियतिवाद तथा भाग्यवादी विश्वास के कारण वे विदेशी आक्रमणों तथा यातनाओं को पूर्व जन्मों का कर्मों का फल मानने लगे थे, जिसकी वजह से वे एकजुट होकर इसका विरोध नहीं किए। इनमें व्यापकता के कारण धार्मिक मतभेद भी पैदा हुए और वे कमजोर होते चले गए। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण कारक है वह है सैनिक कारक। भारत में निरंतर चलने वाले युद्धों के कारण इनकी सामरिक क्षमता में ह्रास हुआ। वे इन युद्धों से थक चुके थे। इनकी सैनिक कुशलता, रणनीति, युद्ध प्रणाली आदि कमजोर थी। वे परंपरागत हथियारों पर ही निर्भर रहे तथा विदेशी संपर्क ना होने के कारण आधुनिक हथियार तथा नवीन तकनीक से अनजान रहे। अब हम इसके प्रभावों को देखेंगे। प्रभाव को भी हमने एक डायग्राम के रूप में विभक्त किया है। तुर्की विजय के प्रभाव को समझने हेतु हम एक डायग्राम का प्रयोग करते हैं, जिसकी संक्षिप्त रूप से देख सकते हैं। तुर्की विजय के प्रभाव, जिसमें राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सैन्य प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और धार्मिक प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव में सामंतवाद समाप्त हुआ, केंद्रीय शासन, एकता व्यवस्था, समानता, नगरों का उदय आर्थिक कारणों में, व्यापार में वृद्धि, सरकारी प्रोत्साहन। सैनिक प्रभाव में देखेंगे योग्यता मापदंड निर्धारित हुए, नगद वेतन दिया जाने लगा सैनिकों को और घुड़सवारों की नियुक्ति की गई। सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत फारसी, उर्दू आदि का विकास हुआ और नवीन स्थापत्य कला का विकास, ये सांस्कृतिक प्रभाव में देख सकते हैं। और धार्मिक प्रभाव में इस्लाम धर्म का प्रभाव, चलिए एक एक करके इसको भी समझते हैं। राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत तुर्की विजय के पश्चात सामंतवाद का अंत हो गया। इसके स्थान पर सुदृढ़ केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था कायम हुई। इस केंद्रीय शासन व्यवस्था में सुदूर प्रांतों को जोड़ने एवं प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एकता प्रणाली की नींव रखी गई। एकता प्रणाली आप सभी जानते हैं, हमने इसके बारे में आपको अच्छे से बताया है कि क्या है एकता प्रणाली। इस व्यवस्था में दिल्ली को राजधानी बनाया गया और वहां से संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन कायम हुआ। अब सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं, समाज में सामाजिक ढांचा बदला और उसमें आधारभूत परिवर्तन हुए। समाज में उच्च एवं निम्न वर्गों की स्थिति में परिवर्तन आया और सभी वर्गों को समान सामाजिक अवसर प्राप्त हुए। इससे सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और सभी वर्गों ने समान रूप से विकास किया। सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं, इसके आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे। तो आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं आर्थिक प्रभाव। इस परिवेश में नवीन नगरों का उदय हुआ। इन नगरों का विकास व्यवसायिक केंद्रों के रूप में हुआ। इस कारण वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इससे वैदेशिक व्यापार को प्रोत्साहित किया। इसके फलस्वरूप भारत की आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई। ठीक है, अगला जो है प्रभाव वह है सैनिक प्रभाव। तो सैनिक प्रभाव के अंतर्गत तुर्की शासन में सैन्य स्वरूप, गठन, भर्ती आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सेना में भर्ती के लिए योग्यता को मापदंड निर्धारित कर सभी जातियों के लिए समान रूप से अवसर प्राप्त हुए। इन सैनिकों को नकद वेतन की व्यवस्था की गई तथा पैदल के स्थान पर
घुड़सवार सैनिकों को प्राथमिकता दी गई। अब हम सांस्कृतिक प्रभाव को देखेंगे। तुर्की शासन के अंतर्गत फारसी को राजभाषा बनाया गया। हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति के समन्वय से एक नई भाषा उर्दू का विकास हुआ। साथ ही भारतीय स्थापत्य में चूना मिश्रित मसालों एवं इमारतों में गुंबदों व मेहराबों का निर्माण कर मिश्रित शैली के भवन निर्मित होने लगे। ठीक है, इसी कड़ी में हम धार्मिक प्रभाव देखते हैं। इस विजय का प्रभाव धर्म पर भी पड़ा तथा भारत में इस्लाम धर्म का तेजी से विकास हुआ। तुर्कों ने इस्लाम स्वीकार करने के लिए कई प्रलोभन दिए, जिसका प्रभाव निम्न वर्गों पर व्यापक रूप से पड़ा तथा भारत में इस्लाम काफी मजबूत हुआ। अंततः जब हम इसका निष्कर्ष देखें तो कंक्लूजन को देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय राजपूतों में साहस तथा शौर्य की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद इनकी अपनी कमजोरियों ने इनके पराजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपूतों ने पूरी ताकत से तुर्कों का सामना किया, परंतु आंतरिक खोखलेपन के कारण वे पराजित हुए। इस पराजय का व्यापक प्रभाव भारतीय जनजीवन एवं अवस्थाओं पर पड़ा। इससे जहां एक ओर सामाजिक संकीर्णता समाप्त हुई तथा वाणिज्य व्यापार का विकास किया, वहीं दूसरी ओर इस्लाम के प्रभुत्व में वृद्धि तथा राजनीतिक सत्ता की स्थापना ने आने वाले वर्षों में भारत की एक नई रूपरेखा तैयार की। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।